एक साल पहले अमन भैया ऐसे ज्ञान देते थे। इंजीनियर्स ऑन वैलेंटाइन्स एंड आफ्टर वैलेंटाइन्स डे। पढ़ाई करो, मौका है, प्यार व्यार तो दुखा है। बहुत हुआ ज्ञान, अब तो हम भी बनाएंगे गर्लफ्रेंड। किन्ने हम पीछे लाए ते किन्ने चारे नी, गिन गिन के दिल तोड़ती चुट टुटते तारे नी। शिवानी सिंह कह रहे हैं कि व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अमन भैया प्रपोजल फॉर श्रद्धा दी एट अ वेरी यंग एज। इसको लेके बड़े सारे कमेंट्स हैं अलग अलग तरह के। तो यार ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीजें हैं, मतलब इस मामले में बहुत सब्जेक्टिविटी होती है। और लोग 25 में भी करते हैं शादियां, 35 में भी करते हैं, 45 में भी करते हैं, तो वो सब्जेक्टिव मैटर है हर किसी का। और अगर मतलब सब्जेक्टिविटी इसमें अच्छी खासी है, पर्सनल मैटर है अगर देखा जाए तो ठीक है, बट इंटरनेट पे चीज़ें हैं तो इतनी भी पर्सनल नहीं रह जाती फिर। तो ये तो अच्छी बात है, मतलब जिसको जब जैसे सही लगे लाइफ में, अगर आप एक किस लेवल पे हैं, आप कैसा आपको महसूस, और अगर कोई आपको मिल रहा है पार्टनर जो आपको एम्पावर करे, या आपकी चीज़ें रुक नहीं रही हैं लाइफ में, जो आपने अपने लिए रास्ता चूज़ किया है तो उससे बेटर ही हो रही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छी बात है तो, है ना।